हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ग्लेडियोलस के बल्ब्स को नेक्स्ट सीज़न के लिए कैसे अच्छे कंडीशन में स्टोर करके रख सकते हैं उसके ऊपर बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ग्लेडियोलस जो है वो एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। ये एक सीजनल प्लांट है और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर आते हैं विंटर में, करीब करीब दिसंबर से मार्च के महीने तक। और फ्लावरिंग ख़त्म होने के बाद यानी कि गर्मियों के महीने में ये प्लांट्स कुछ सूख सा जाता है, जैसे आप मेरे इन प्लांट्स में देख सकते हैं। तो ऐसा होने पर हमें इसके मिट्टी के नीचे जो बल्ब्स होते हैं उन्हें निकाल लेना चाहिए और उसको अच्छी तरह से स्टोर कर लेना चाहिए ताकि अगले विंटर सीजन में हम उनको लगा सकें। तो चलिए अब हम इन बल्ब्स को निकालते हैं और इनके स्टोर करने से रिलेटेड सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करते हैं। तो पहले तो मैं ये स्टिक्स हटा रहा हूँ जो मैंने इनके सपोर्ट के लिए लगाया था, और इसके बाद मैं इन प्लांट्स को भी एक एक करके मिट्टी से बाहर निकालूँगा। तो ऊपर के सूखे हुए प्लांट्स को हटा लेने के बाद अब हम इसके मिट्टी के अंदर से इसके बल्ब्स को निकालेंगे, जो कि हमारा मेन पर्पस है। तो मिट्टी से सारे बल्ब्स को निकाल लेने के बाद अब हम एक टूथब्रश के हेल्प से इन बल्ब्स को साफ करेंगे। मैंने पॉट में सिर्फ 3 बल्ब्स लगाए थे, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 से ज़्यादा बल्ब्स है और काफ़ी सारे छोटे छोटे बल्ब्स भी इसमें ग्रो हुआ है। तो बल्ब्स में लगी मिट्टियों को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद अब हम इन बल्ब्स को 3-4 घंटे के लिए सनलाइट में ड्राई होने के लिए रख देंगे। तो धूप में कुछ घंटे तक सुखा लेने के बाद अब हम इन बल्ब्स को फंगीसाइड लगाएंगे। फंगीसाइड लगाने का पर्पस यही है कि जब हम इनको कुछ महीने के लिए स्टोर करके रखेंगे तब इनमें कोई फंगस अटैक भी कर सकता है, जिससे कि ये बल्ब जो है उसके ख़राब हो जाने या फिर सड़ जाने का चांसेस होता है। इसलिए फंगीसाइड का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। फंगीसाइड के अलावा आप इसमें लकड़ी की जो राख होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लकड़ी की राख यानी कि वुडन एज जो होता है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, वो भी फंगीसाइड का ही काम करता है। मैं इसमें साफ फंगीसाइड यूज़ कर रहा हूँ, आप इसमें कोई भी कंपनी का फंगीसाइड यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सारे बल्ब्स में अच्छी तरह से फंगीसाइड लगा लेने के बाद अब हम इन बल्ब्स को एक न्यूज़पेपर में ऐसे लपेट कर अगले सीजन के लिए रख देंगे। आप इसके लिए कोई भी नॉर्मल पेपर का यूज़ कर सकते हैं। पेपर का यूज़ करने से क्या होगा कि इसमें जो बसी खुशी मॉइस्चर है वो भी ये पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन आप इस पर्पज़ के लिए प्लीज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल मत करिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत ही हीट प्रोवाइड करेगा और हीट से ये जो बल्ब्स है उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं इन बेबी बल्ब्स को भी यानी कि ये छोटे बल्ब्स को भी न्यूज़पेपर में ऐसे रैप करके रख दूंगा। ये भी अगले सीजन में मैं लगाऊंगा। इससे भी छोटे छोटे ग्लेडियोलस के प्लांट्स जो है वो स्प्राउट होकर निकलेंगे।
तो सारे बल्ब्स को पेपर में रैप कर लेने के बाद अब हम इन बल्ब्स को एक ड्राई और डार्क प्लेस में स्टोर करके रखेंगे। ड्राई प्लेस होना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ उस प्लेस में ज़्यादा लाइट भी नहीं पड़ना चाहिए। तो अगर आप इन बल्ब्स को ड्राई और डार्क प्लेस में रखेंगे तो ये अगले सीज़न के लिए बहुत ही अच्छे कंडीशन में रहेंगे। तो आप भी इस तरह से अपने पुराने ग्लेडियोलस के बल्ब्स को स्टोर करके रख सकते हैं और अगले सीज़न में लगा के इसमें फ्लावरिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास पुराने बल्ब्स नहीं है, आपको नए बल्ब्स चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है, आप उसमें जाके ये बल्ब्स परचेस कर सकते हैं। आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में ये बल्ब्स मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।